तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक बी एडवाइस। आज हम बात करेंगे रॉनी कोलमैन और जैक कटलर के बारे में। बिगेस्ट बॉडी बिल्डिंग राइवलरी, इनके बीच में जो कंट्रोवर्सी चलती थी उस समय की बात बता रहा हूँ, 2001 में जो ये पोज देते थे उसमें, यस इनके जो बिग फैन थे लोग बाग, वो समझते थे इन दोनों की बहुत कट्टर टक्कर है। बट हर बार रॉनी कोलमैन जीत जाते थे जैक कटलर को हरा कर, और जैक कटलर निराश होकर जाना पड़ता था। बट ऐसा था कि दोनों ये आपस में जो क्लैश चलता था इन दोनों के बीच में 212 मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग ओलंपिया में, तो देख लीजिए इनका जो विशालकाय शरीर है दोनों का, सबको यही लगता था कि बस जीतने ही वाले हैं हमारे जैक कटलर भाई साहब। लेकिन रॉनी कोलमैन वापस से टाइटल ले जाते थे, जो इनको देने वाली राशि होती थी वो भी $110,000 होती थी विनर को, और जबकि सेकंड वाले जो आता था उसको $60,000 देती, जो आज के विनर की प्राइस अगर अपन इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 91 लाख होता है। 91 लाख उस समय देते थे, मतलब 2005 तक रॉनी कोलमैन मिस्टर ओलंपिया रहे। 1998 से स्टार्ट किया था उन्होंने जीतना लगातार, लेकिन हमारे जय कटलर भैया अभी पीछे थोड़ी रहने वाले हैं। जय कटलर भाई साहब ने भी 2006 में बाजी मारी ली, और वो भी लगातार, यूँ नहीं है कि छोड़ दिया बॉडी बिल्डिंग के, लगातार ट्रेनिंग करके वापस वही आ जाते थे स्टेज पे रॉनी कोलमैन के साथ में। लास्ट में इन्हीं दोनों की बैटल देखने को मिलती थी, बट 2006 में जय कटलर ने रॉनी कोलमैन को हरा दिया और बन गए वो फर्स्ट प्राइज विनर। और जो इनको प्राइज मिला था उस समय लगभग $1.5 करोड़ मिले, और जबकि रॉनी कोलमैन को $91,000 $91,000। तो आप समझ सकते हैं उस समय का प्राइस मनी, और अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया है। तो अभी जो हार्डी डेरेक जो बने चैंपियन लेटेस्ट 2022 में हार्डी, और अभी 2023 में डेरेक, तो वो प्राइस मनी भी बढ़ती गई और कंडीशनिंग बॉडी की साइज भी बढ़ती रही। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये जिस समय का ईरा चलता था इनका, उस समय इनकी साइज भी ज़्यादा थी और हाइट वाइट सब के हिसाब से इनकी सिमेट्री भी बहुत अच्छी थी। बट अभी तक कंडीशनिंग को भी ले लिया इस गेम में, बट जो टाइटल था, ये देखो उसकी फैमिली जय कटलर भाई साहब की, इस बार का टाइटल तो इनको ही मिलने वाला था। 2006 में मारा इन्होंने टाइटल, 2007 में टाइटल मारा, 2008 में इन्होंने ब्रेक लिया था क्योंकि डेक्स्टर जो थे एक और बॉडी बिल्डर जेंक्स, उन्होंने ले लिया। फिर 2009-10 में वापस खिताब अपने नाम कर लिया था जय कटलर ने। तो आप जान सकते हो बिगेस्ट राइवलरी रही है इनके बीच में, कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत कुछ, चाहे पॉज कर रहे थे आपस में लड़ बैठते थे फील हीट, और इनके काइगरी इनके बीच में भी कई बार आपने देखा होगा स्टेज पे पॉज करते समय फ्रंट डबल बाइसेप या लेग्स दिखाते हुए एक दूसरे की लेग्स को टच करते हुए बताते हैं कि ऐसे पॉज करो, ऐसे कॉर्ड्स दिखाओ। ये देखिए इस बार जय कटलर भाई साहब ने तो ये हासिल कर ही लिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लग रही है? इन दोनों के बीच में जो अभी चल रहा था 2001 से इनका जो ईरा था, और अभी का जो ईरा चल रहा है अभी का लेटेस्ट, तो आपको कौन सी बॉडी बिल्डिंग पसंद आई थी उस समय की या अभी की? अभी जो भी आपको पसंद आई वो कमेंट करके ज़रूर बताइए आप मुझे, ताकि मैं ऐसे और वीडियो आपके सामने ला सकूं। ये देखिए ट्रॉफी उठाते हुए और उस समय कहते हुए कि इस बार तो ये रॉनी कोलमैन मिलते हुए सबसे कहते हुए कि इस बार का टाइटल मेरा था या इनका, तो उस बार वो भी कह रहे थे कि मैं 8 टाइटल तो ऑलरेडी जीत चुका हूँ, वहाँ चलो ये बार। उसके बाद रॉनी कोलमैन नहीं खेले, उसके बाद अभी आप देख ही रहे होंगे कल कितनी सारी बीमारी से गुजरना पड़ा, लेकिन अभी सही सलामत है दोनों, और दोनों की फ्रेंडशिप भी अच्छी है, अभी दोनों साथ में वर्कआउट भी करते हैं कभी कभी। ये देखिए एंड तक इनका वीडियो आप, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर और प्यार दीजिए। सब्सक्राइब आपका करना नहीं करना वो आप लग बात है, वो जबरदस्ती आप करोगे नहीं, आपको पसंद आएगा तो करोगे कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए इन दोनों के हित में। ये देखिए अभी रॉनी कोलमैन आएंगे, 1999 जो पॉज कर रहे थे, देखो आपस में लड़ बैठते थे, कुछ जगह ही नहीं होती थी उसमें, देखो ये देखो मैं आऊँगा, मैं पॉज करूँगा,